नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। स्मालखा मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह घाल्यान की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद उनकी शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया गया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी में घाटा होने की वजह से हरपाल सिंह डिप्रेशन में चल रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि गोली कैसे चली या फिर चलाई गई है। स्मालखा मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह घाल्यान की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं जब गोली चलने की आवाज आई तो बेटी छत पर कमरे में पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। पिता के शरीर से खून बह रहा था। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। गोली कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। 55 वर्षीय हरपाल सिंह घाल्यान की 4 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। 1 बेटी और 1 बेटा घर पर है। भाजपा नेता एवं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले हरपाल सिंह समाज सेवा में लगे रहते थे। हरपाल की मौत की खबर से स्मालखा के लोगों में हैरानगी है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि हरपाल अब नहीं रहे। प्रॉपर्टी का काम करते थे। ये COVID-19 की वजह से मंदी आने के कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में थे, उसी वजह से उन्होंने आत्महत्या का अपने सर्विस से गोली चलाने का काम किया। उसी वजह से घर का ही मामला है। रात 12 से 12 बजे तो वो डिप्रेशन में है सर। वो ये हरपाल सिंह था, पंचोटी का रहने वाला था। वैसे एक्चुअली गाँव उसका दौरासी और मार्केट कमेटी का चेयरमैन था। और अब ये प्रॉपर्टी वगैरह काम करता था। लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर्टी में घाटा होने की वजह से डिप्रेशन में था। इस वजह से उसने स्वयं आत्महत्या करनी बयान हुई है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, देखते हैं। कौन सा हथियार प्रयोग किया सर? इसका लाइसेंस रिवॉल्वर था, पिस्टल था। गोली कहाँ मारी है सर? इसने कैसे गोली सिर में मारी बताइए। उसकी पत्नी थी। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी सर? नहीं, हॉस्पिटल ले आए थे वहाँ स्मालखा। अभी क्या कार्रवाई की है सर? अभी 74 कार्रवाई कर रहे हैं। 74 CRPC कार्रवाई कर रहे हैं। फॉर्म भर दिया है, दानों ने जो लिख कर दिया उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हरपाल की मौत की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर लोग जमा होने लगे हैं। हर कोई इस घटना से हैरान है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार गोली कैसे चली। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार। पानीपत का No. 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।